नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। बात करूंगा यहाँ पे मैं दोस्तों कॉनकॉर की। कॉनकॉर यानी कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, उसके क्वार्टर फोर के नतीजे आ चुके हैं। कैसे रहे नतीजे, कंपनी ने डिविडेंड दिया है कि नहीं, इन तमाम चीजों पर चर्चा करेंगे। सीधा लेके चलता हूँ आपको मैं रिजल्ट की तरफ। देखिए, अगर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की बात करें करोड़ में, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। 2043 करोड़ रुपीज की आप कह सकते हैं रेवेन्यू जनरेट हुई ऑपरेशन से, जो कि पिछले क्वार्टर के दोस्तों बात करेंगे तो लगभग 1919 करोड़ के आसपास थी, और एक साल पहले देखेंगे तो 1939 करोड़ थी। अदर इनकम की बात करें तो इस बार 69.38 करोड़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है, जो पिछले क्वार्टर के 63.22 के से थोड़ी ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। और अब जब इन दोनों को मिला देंगे तो जो टोटल इनकम निकल के आती है वो आती है 2112.39 करोड़, पिछले क्वार्टर के 1983.20 से कह सकते हैं आप काफी अच्छी है दोस्तों, ठीक है। अब अगर बात करें खर्चों की, एक्सपेंसेस की, रेल फ्राइट एक्सपेंसेस, इसको अगर आप देखेंगे तो लगभग 1113.82 करोड़ रुपए की रही है, जो कि पिछले क्वार्टर के 1043 से ज्यादा है दोस्तों, और काफी ज्यादा है, 10% ज्यादा है, ठीक है। आप 10% के आसपास कह सकते हैं, 10% एक्जैक्टली नहीं कह सकते, 60-70% आप कह सकते हैं। अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस देखेंगे 320.58 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 274.52 करोड़ थी। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस देखेंगे 121.2 करोड़, जबरदस्त उछाल एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में, ठीक है। आप देखिए डेप्रोसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन आप देखेंगे तो ये टोटल 130 करोड़ रुपए निकल गया है, और अदर एक्सपेंस देखेंगे तो 74.63 करोड़ है, जो कि पिछले क्वार्टर के 50 करोड़ से आप कह सकते हैं कि काफी 50 करोड़ से काफी ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। और टोटल खर्चे हैं, टोटल एक्सपेंस देखेंगे तो ये निकल के आता है 1775.17 करोड़, जो कि पिछले क्वार्टर के आप देखिए 1609 करोड़ से ज्यादा है दोस्तों, ठीक है। तो यानी कि जो भी थोड़ा बहुत टोटल इनकम निकल के आई थी ज्यादा दोस्तों, वो अब मैं कह सकता हूँ कि जो एक्सपेंस है उसके जो एक्सपेंस है उसको पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर चुका है। अब देखते हैं कि इतनी महंगी, इतने जो कह लीजिए खर्चे हैं, उसके बाद ये देखते हैं कि भाई साहब कि आपका जो वो निकल के आया है कि जो नेट प्रॉफिट वो कितना है। तो देखिए, अगर हम देखें नेट प्रॉफिट को तो आप पाएंगे दैट टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड अगर हम देखेंगे तो ये 260.62 करोड़ निकल के आया, जो पिछले क्वार्टर के 284.82 करोड़ था, हाँ 284.82 करोड़ था। यानी कि जो भी इन्होंने ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था वो एक्सपेंस में सब खत्म हो गया, ठीक है। और अब इसका असर किस में दिखेगा दोस्तों, इसका असर आपको दिखेगा इनके EPS में। आप देखें जो 4.70 रुपये की EPS थी वो घट के 4.22 रुपये हो गई है, ठीक है। तो ये दोस्तों ठीक है, लेकिन कंपनी ने डिविडेंड भी दिया अपने निवेशकों को। कितना डिविडेंड है मैं थोड़ा ऊपर जाऊं आपको दिखाऊं, तो देखिए आपको सिंपल दिखेगा यहाँ पे दैट फर्दर प्लीज दैट द बोर्ड हैज डिक्लेयर्ड अ फाइनल डिविडेंड ऑफ ₹3 पर इक्विटी शेयर ऑफ फेस वैल्यू ऑफ ₹5 each for the year 21-22. This is subject to approval of the shareholder in the ensuing AGM. The final dividend above is an additional to the interim dividend of ₹4 per share of ₹5 each and second interim dividend of ₹2 per share of ₹5 each. Yani already 6 rupaye mil chuka tha, 5 rupaye aapko 3 rupaye aur mil gaya hai, theek hai, aur ye jo AGM hogi uske baad aapko mil jayegi. तो कैसा लगे कह लीजिए दोस्तों, एनालिसिस अच्छा लगा हो लाइक किया कीजिए। और जो कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो रिजल्ट है, ये जो इन्फ्लेशन है, जो कह लीजिए खर्चे हैं, उसके कारण जितनी भी कह लीजिए थोड़ी बहुत भी फ्लैटेज जो बढ़त मिली थी वो एब्जॉर्ब कर ली गई। तो अगर ये एनालिसिस पसंद आए हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।